हाय गाइस, आई एम रश्मि सिन्हा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैंने बहुत ही खूबसूरत सा पॉप आर्ट मेकअप किया है जो कि बहुत इजी है। और मैं बता देती हूँ, अगर आपके पास फेस पेंट नहीं है फिर भी आप ये बहुत ही अच्छे से हेलोवीन वगैरह पे कर सकते हो। ब्लैक आईलाइनर, रेड लिपस्टिक, ब्लू प्लस वाइट आईलाइनर को मिक्स करके, और ये वाइट आईलाइनर। सो बहुत इजी है एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम अपने आईब्रोज से स्टार्ट करेंगे, आईब्रोज को फिल करेंगे, और मैंने बेस मेकअप कर लिया है। सो या और उसके लिए मैं ले रही हूँ यू कैन बी का एथेना पेंटिंग पैलेट ब्लैक शेड। सब अपने आईब्रोज को फिल करूँगी, जो ब्रश मैं यूज़ कर दी थी रेगुलरली आईब्रोज को फिल करने के लिए उसी ब्रश से, फ्लैट शेडर ब्रश जो कि ये है स्मॉल फ्लैट शेडर ब्रश, और इसे से हम करेंगे। सो नेक्स्ट हम वही सेम पेंट ब्लैक पेंट लेंगे और अपने साइड के फेस को कार्व करेंगे। आप देखिए मैं बता रही हूँ, सो आप सेम इधर भी वही करना है। सो अब हमें अपने नोज के पास करना है, यहाँ पे एकदम पॉइंटेड रहेगा, स्ट्रेट लाइन करना है, और यहाँ थोड़ा सा मोटा होता जाएगा। और नेक्स्ट हमें नोज के पास पॉइंटेड लुक के लिए पॉइंटेड ब्रश लूंगी। कुछ भी गड़बड़ हो तो माइसिला वाटर लेना, बस क्यूट्यूब पे क्लीन कर लेना। सो नेक्स्ट हमें करना है जॉ लाइन बनाना है, और एकदम शार्प जॉ लाइन बनाना है, इसलिए मैं पॉइंटेड ब्रश ले रही हूँ। नेक्स्ट हम अपने आईब्रोज पे बनाएंगे। सो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यू कैन बी का आईलाइनर, और ये है स्केच आईलाइनर, और हमें इसे शार्प विंग बनानी है। नेक्स्ट हमें अंडर आई में भी, मतलब लोअर लैश लाइन के पास भी एज आई लाइनर रिवर्स आई लाइनर काइंड ऑफ थिंग लगाना है। आप देखिए यहाँ पे थ्री हेयर्स काइंड ऑफ बना दूंगी मैं, जिससे हमारा लगे कि हमारा आई लैसेस इतने लंबे लंबे। नेक्स्ट हमें काइंड ऑफ ग्राफिक आईलाइनर लगाना, बट अ लॉट हायर देन ग्राफिक आईलाइनर, जैसे हम लोग ग्राफिक आईलाइनर कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे हम कट क्रीज करते हैं वहाँ, बट इसे थोड़ा सा ऊपर में लगाना है।
नेक्स्ट हम अपने चिन पर सेमी सर्कल बनाएंगे बट अपोजिट इनवर्ड में। नेक्स्ट हम लगाएंगे रेड लिप क्वेड लिपस्टिक। नेक्स्ट हमें अपने लिप्स को ब्लैक आईलाइनर से आउटलाइन करना है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं व्हाइट पेंट और हमें थोड़ा सा अपने लिप्स यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा डॉट काइंड ऑफ बनाना है। देखिए आप सॉरी मैंने डॉट बोल दिया, डॉट नहीं ड्रॉप डॉट। ओके और थोड़ा सा इनर कॉर्नर को हाईलाइट करेंगे यहाँ पे। आई थिंक पूरे में कर लेती हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा आई गेस। नेक्स्ट मैं ये रेड कलर यूज करूंगी और इसे मतलब अगर आपके पास फेस पेंट नहीं है तो आप रेड लिपस्टिक भी यूज कर सकते हैं। इसे हम अपने क्यूटिप की हेल्प से डिप करेंगे और डॉट डॉट अपने फेस पे एज अ ब्रश लगाएंगे। Next, I am going to take this blue paint and we will draw teardrops with it. One will be smaller than this one, just dono saath mein hi rahenge. Aur ek niche. नेक्स्ट हम इसे ब्लैक से आउटलाइन करेंगे ताकि थोड़ा और प्रोमिनेंट दिखे। आई गेस ये सूख चुका है। मैं अपना फेवरेट ब्लू हेवन का आईलाइनर यूज करूंगी। मैंने इसे बहुत ज्यादा कम ही यूज किया, बहुत रेयरली, क्योंकि जहाँ मुझे प्रेसिजन की जरूरत होती मैं बस वहां उसे यूज करती थी, बट फिर भी वो तो दिक्कत हो गया। ओह माय गॉड, काफी अच्छा था वैसे। नेक्स्ट वी विल ऐड सम व्हाइट टू हाईलाइट दिस टीयरड्रॉप। देन हम अपने कॉलरबोन के पास दो लाइंस बनाने हैं। मेरा उतना प्रोमिनेंट तो है नहीं बट स्टिल। नेक्स्ट हम लेंगे व्हाइट पेंट और इसे हाईलाइट कर लेंगे। बस हम थोड़ा सा मस्कारा लगा लेंगे ताकि आई हमारी थोड़ी लिफ्ट लगे।
दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है is_rasmi_sinha। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।